जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हमारे घर में फिर से कुआ पूजन है और नया व्लॉग आप लोगों के लिए तैयार है। बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि कुआ पूजन का अभी तक क्यों नहीं आया, तो आज है 3 तारीख और आज कुआ पूजन है और नया व्लॉग तैयार है। तो कैसा लगा पिछला व्लॉग वो भी कमेंट से बताना, और नए व्लॉग में क्या नई चीजें देखने को मिली। और वही मैरिज गार्डन, विनायक मैरिज गार्डन है, तो वहां सभी पहुंचे और देखें। गाइस ये वो जगह है जहां पे बच्चे की जो नाभि से जुड़ी हुई होती है, ओल नाल जिसको बोलते हैं, वो यहां पे लगाते हैं। तो उस जगह पे कुआ पूजन वाले दिन भी चौका लगाते हैं, हमारे यहां पे चौका लगता है और उसको फिर गेहूँ के आटे से पूरते हैं, उस पर रंगोली बनाते हैं। गाइस अभी हम जा रहे हैं निजामपुर, क्योंकि दीदी आई हुई है, उनको वहाँ पे गाड़ी नहीं मिली काफ़ी देर होगी, तो मैं भी गाड़ी लेके जा रहा हूँ उनको लाने के लिए। गाइस आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसी वीडियो क्यों दिखाता हूँ कि रिश्तेदार को ला रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। अच्छा, बैक कैमरे के पीछे बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम कवर नहीं करते हैं, लेकिन ये मेरा दिखाने का मेन पर्पज़ क्या होता है कि पहले तो ये बहुत ही ज़्यादा होता था कि रिश्तेदार आ रहे हैं उनको लेके आ रहे हैं, पहले खुद भी जाके लाते थे। अब तो ज़्यादातर गेस्ट के पास गाड़ियाँ होती हैं तो वो अपनी गाड़ियों से टाइम टू टाइम आते हैं, लेकिन पहले दो दो तीन 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 दिन पाँच पाँच दिन पहले गेस्ट आते थे और एक अलग माहौल होता था। तो आप देख सकते हैं कि कल रात को किस प्रकार का माहौल था, देखिए आप किस प्रकार से सारी रात हम लोगों ने नाच गाना किया है और कितनी मस्ती की है। और ये तो सिर्फ एक दो रात हुआ है, लेकिन जैसे कि हमारे भाई राजेश की शादी थी, प्रदीप की शादी थी, मेरी शादी थी, उन टाइम में तो 10-10 दिन पहले, 15-15 दिन पहले ये ही म्यूज़िक चलता था और लोग नाचते थे, गाते थे, बड़े खुश होते थे। अब लोगों के पास टाइम नहीं होता है और यही कारण होता है कि जैसे जैसे टाइम कम होता है लोग यूट्यूब पे या रील्स में अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम गेस्ट आते हैं तो उनको लेके आते हैं घर पे, एक जिनके पास गाड़ियाँ नहीं होती उनको बस से लेके आते हैं और फिर लाके इकट्ठा होते हैं, सारे देख के खुश होते हैं, ये एक अलग ही आनंद होता है। और ये सब दिखाने का पीछे एक रीजन भी है, क्योंकि मेरे कजन मिस्टर केशव कौशिक जो कि सिंगापुर में है और अभी देख रहे हैं मेरे को, और वो बड़े खुश होते हैं क्योंकि जो दो लोग बाहर होते हैं ना उनको पता होता है कि गांव का, अपने पास का, अपने नज़दीक का, अपने शहर की क्या खुशी होती है। तो वो हर छोटी छोटी चीज़, नाम भी कहीं लिया जाता है अपने गांव का तो वो उसको भी सुनते हैं गौर से, तो ये उन लोगों के लिए एक अलग ही मूवमेंट होता है, इसीलिए मैं ये सब चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो कैसा लगा आप हमें बताते रहें, आपके कमेंट्स हमें प्रोत्साहित करते हैं। दक्षो आ गया है, दक्षो इंतजार कर रहा था कब मामा आएगी, देर तो नहीं लगाई मामा ने? देरी लगी आपके फोन करने के बाद तो मैं 10 मिनट में आ गया। गाइस बबीता दीदी को ले आए हैं निजामपुर जाके, और दक्षु कह रहा था मामा बहुत देर से इंतजार करना पड़ा गाड़ी का, शायद गाड़ियां बंद हो गई, हरियाणा रोड चलती थी अब बंद हो गई, इस वजह से जाना पड़ा। तो गाइस जब तक शाम का खाना स्टार्ट हो, लाइट भोजन में इडली सांभर और नारियल की चटनी बनी है, और तब तक सभी नाश्ते में इडली सांभर खा रहे हैं। हेलो, ये तैयार हो गया है, पीछे तेरा भी व्लॉग बनाया था ऐसे ही, पता है तेरे को? पता है, देखा सर आया था, पता हो इसको। गाइस हमारी इडली सांभर आ गई है और नारियल की चटनी बड़ी टेस्टी लग रही है। सभी तारीफ सुन के इडली की वास्तव में बहुत ही शानदार बनी है, मजा आ गया मेरे को, मतलब मेरा पेट भरा हुआ था लेकिन फिर भी मैंने 2 इडलियां खाई हैं, तो ये सब खाने के लिए तैयार है। तो गाइस आप देख सकते हैं तैयारियां शुरू हो गई हैं, वहां पहुंचने से पहले, गार्डन में पहुंचने से पहले यहां पे पूरी तैयारी करके शास्त्री जी की देखरेख में, और फिर जाएंगे गार्डन में। साथ में लग रहे हैं हमारे दीपक उर्फ दामोदर, बड़े होनहार हैं। तो गाइस जयपुर से हमारे जया जी, सुनील जी और बहन मालती और खेमराज खनकी सब पहुंच गए हैं और ये यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहे थे, अब हम घर चलते हैं इनको लेके, मिलते हैं जल्दी। A few moments later. गाइस ये देख सकते हैं हमारे बड़े भाई संदेश, इस एज में भी किस प्रकार से नीम पे चढ़ जाते हैं ये,
क्योंकि नीम की पत्तियां जो है वो जलवा वाले दिन घर में बांधते हैं, बंदरवाल बनाते हैं इनकी, तो ये पत्तियों की जरूरत थी। इसलिए हमारे संदेश भाई देखिए किस प्रकार से, ये देखिए मतलब 50 की एज में भी गाइस ये देख सकते हैं आप, ये बंदरवाल बना रही सारी बहन बेटियां यहाँ मिलके और भोगों को भी लगा रखी है। गाइस ये बंदरवाल बनके तैयार हो गई हैं, कहाँ लेके जाएंगी इनको? पहले मंदिर में बंधेंगी और फिर उसके बाद में घर में, सारे में उसके बाद में घर में। तो ये काम पहले नान करती थी, अब बहन बेटी कर रही है। तो गाइस आप देख सकते हैं इस प्रकार से नीम की बंदरवाल जो है हर दरवाजे के ऊपर लगेगी आज। तो आपको पता होगा इस रस्म को क्या बोलते हैं, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। तो गाइस कुआ पूजन जिसको चूड़ा मुहूर्त भी कहते हैं, तो ये चूड़ा मुहूर्त होता है इस दिन नया चूड़ा जो पीहर से आता है और नई साड़ी और नई चुनरी वो जच्चा को, नया जो बेबी होता है उसकी मदर को पहनाई जाती है। तो ये वो मुहूर्त है जो 12:15 के टाइम का था, तो उस मुहूर्त के ऊपर एक हमारे जो भाई हैं उनके साड़ी साहब आ गए थे और वो चीज़ दे गए थे, तो ये पहना रही हैं हमारे निर्मला बहन जी जो MP में रहती हैं और हमारे भाभी जी का ये बड़ा खुश होती हैं ये। तो गाइस अभी हम गार्डन में जाके आते हैं, देख के आते हैं वहाँ क्या चल रहा है और आपको भी दिखाते हैं। गाइस हम पहुँच गए गार्डन में, ये वही विनायक गार्डन है और यहाँ पे लगभग तैयारियाँ सभी कंप्लीट्स हैं, देख सकते हैं आप तैयारियाँ चल रही हैं, शाम को देखने लायक हो जाएगा। और उधर किचन में खाना बन रहा है, नाश्ता बन रहा है और इधर पापा जी के पास सभी मौजूद लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं उनसे, बैठ रहे हैं, बातें चल रही हैं, तैयारी कर रहे हैं शाम की। और उधर मिक्स वेज बन रही है, ये इधर मसाला ग्रेवी तैयार हो रही है, पनीर की ग्रेवी बन रही है इधर में, और ये हमारे हलवाई जी बड़े खुश हो रहे हैं, क्या बात है। पहुँच गए हैं गार्डन में, इस समय हो गया है 2:02 हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे धीरे धीरे क्राउड हो रहा है और धीरे धीरे सभी लोग आ रहे हैं। और जो हमारे पेजिए हैं चूड़ा गांव से, उनकी कुछ गाड़ियाँ आ गई हैं और कुछ पहुँचने वाली हैं, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ बने रहें और लाइक कमेंट एंड शेयर करते रहना, किसी प्रकार की कमी मत करना, आपका साथ ही हमारे ब्लॉग को आगे बढ़ाना, हमें आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है। तो देखते हैं कौन आ चुका है और कौन आने वाला है। गाइस ये है विनायक और गार्डन का नाम भी है विनायक गार्डन। गाइस सभी तैयार खड़े हैं यहाँ पे स्वागत के लिए। तो ये हमारे मोसा जी ये आ गए हैं और ये टीम को लीड कर रहे हैं, पूरी टीम आ रही है यहाँ से चूड़ा से, विष्णुदास शर्मा ये मोसाज इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं सभी का। और पीछे आ रहे हैं सभी डॉक्टर साहब भी पीछे आ खड़े हैं हमारे। गाइस यहाँ पे समधी जी समधनों का स्वागत कर रहे हैं और आप देख सकते हैं किस प्रकार से समधन समधी की नोक झोंक चलती है, किस प्रकार से हंसी मजाक होती है, उसका एक छोटा सा नमूना आप यहाँ देख सकते हैं। ये छवि कांत की नानी है, ये जयपुर से हमारे मौसा जी दीदी के ससुर और हमारे बुआ जी दीदी की बुआ सास और सारी बहनें हमारी और हमारे मौसी जी पीछे खड़ी हैं। मौसी जी आगे आओ, मौसा जी के साथ में खड़े हो। आइए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जल्दी जल्दी ऐसे स्वागत होते रहे आपके। बुआ जी जल्दी जल्दी ऐसे स्वागत होते रहे। तो गाइज नाश्ता लग चुका है, हम आपको दिखाते हैं मेन्यू में क्या क्या है। गाइज नाश्ते में है खोए की बर्फी, राजभोग, गुलाब जामुन, ब्रेड पकोड़े, पालक पकोड़े, पनीर पकोड़े, आलू के बोंडे और चटनी खट्टी मीठी। पंटी चाट भंडार और हमारे पंच साहब भूपेंद्र पंच जी, भाई साहब कॉफ़ी पिला दे यार, आपकी कॉफ़ी की मैं तारीफ़ कर रहा था थोड़ी देर पहले भी, मैं बता रहा था कि हमारे पुराने चाट भंडार हैं और इनके सुपुत्र श्री बंटी जी के नाम पर इन्होंने अपना चाट का नाम रखा हुआ है।
धनुज, धनुज नाम की पता है, मेरे 8 सब्सक्राइबर हैं। अच्छा आपको किसने बोला मैं यूट्यूबर हूँ? मेरे ब्लॉग देखते हो? कौन सा देखा लास्ट, कौन सा देखा? खीर वाला देखा था, रावण वाला, रावण वाला देखा था। गाइज जब छोटे बच्चे आके बोलते हैं ना कि आप यूट्यूबर हो तो मतलब एक अजीब ही खुशी होती है, और धनुज ने जब बताया कि ये मेरे ब्लॉग्स देखता है तो मुझे बहुत खुशी हुई। और एक सरप्राइज़ भी है, पता है क्या है? वो आज इसका बर्थडे है, तो कमेंट्स में हैप्पी बर्थडे लिखना बिल्कुल ना भूलें। हैप्पी बर्थडे धनुज। गाइज ये हमारे बाबा ताऊ सरपंच साहब, और मैं यही कह रहा था, मैंने कहा ताऊ आज आप वीडियो में नहीं आए हो और ये परेशानी हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि हमारे घर का प्रोग्राम और ताऊ जी प्रोग्राम में हाजिर और फिर वीडियो में ना आए तो ये मेरे लिए बड़ी परेशानी वाली बात है। ठीक है ठीक है, बस ताऊ का आशीर्वाद रहे। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमारे डॉक्टर साहब की मिसेज अकेले अकेले लग रही हैं। कोई बात नहीं मैडम, हम जो है ना पेज लेंगे तो सब निकाल लेंगे। नहीं सभी अकेले खा रहे हो ना अब? ठीक है गाइस, ये हमारे डॉक्टर साहब हैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नांगल चौधरी में, और ये मैं इनका सच में बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, क्योंकि इस एरिया के अंदर एक बच्चों के डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और वो इन्होंने पूरी की। जहाँ पे एक दो ओपीडी नहीं होती थी, आज करीब 300 से 400 ओपीडी होती हैं। मेरा खुद का बच्चा आपने एक ब्लॉग में देखा था डेंगू से पीड़ित हुआ था, लिटिल ब्लॉगर, तो डॉक्टर साहब ने मेरे को कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, आप घर पर रखो इसको, लिक्विड ले रहा है कि नहीं ले रहा, ट्रीटमेंट इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया 3 दिन बाद इन्होंने कहा कि ये ठीक है, इसके मैंने सब चेक कर लिया, आप निस्फिक्र होकर ले जाओ इसको घर। इन्होंने ऐसा नहीं कि भाई दवाइयाँ देते रहें, इस एरिया के अंदर ऐसे डॉक्टर की हमें बहुत ज़रूरत थी, और मैं इनका बहुत दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का। नहीं ये तो आपका बड़प्पन है, बाकी देखो मैं तो अपना काम कर रहा हूँ यहाँ पे, है ना, जैसे गरीब जनता बहुत है यहाँ पे गरीब। मैं यही तो कि इस एरिया में आप जैसे डॉक्टरों की ज़रूरत पड़ती है और आप आए, दिल से थैंक्स डॉक्टर साहब। गाइज यहाँ पे पेज का प्रोग्राम चल रहा है, तिलक लगा के वही पीछे वाला प्रोग्राम जो आपने देखा हुआ है, सभी को मान सम्मान करते हैं, और मेरा नंबर भी आने वाला है, और ताऊ बोल रहा है सरपंच ताऊ कि छोरा आज तो अदा करना ही पड़ेगा। ये मोहित पहचानने में नहीं आ रहा है ना, ये मास्क का पालन करता है हमेशा, और आज हमने ज़्यादा यहाँ का नहीं बनाया है पेज लेते हुए का, क्योंकि ये पिछले ब्लॉग्स में काफ़ी दिखाते था, उसने वही चीज़ दिखाएंगे तो मुझे खुद को बोरिंग लगता है, इसलिए हमने ज़्यादा वो ना दिखाई। और दूसरी क्या था कि मैं यहाँ से गाड़ी पर लेके लोगों को घर पर भी ड्रॉप कर रहा था, इसलिए मैं ज़्यादातर टाइम मेरा वहीं लग रहा था, तो इसलिए मैं पहुंचा भी नहीं और दिखाना भी नहीं चाह रहा था। गाइस ये हैं अक्षय जी, हमारे भांजी जमाई आप मिल चुके हैं, लेकिन मैं आज इनसे बड़ा नाराज़ हूँ, क्योंकि हमारी भांजी, मेरी प्रिय भांजी, क्योंकि नुनू बोलती है प्रिय भांजी आपकी, मेरी प्रिय भांजी मोटी को नहीं लेके आए हैं आज, और मुझे बहुत याद आ रही है खुशी की। आइए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर गाइस हम गार्डन से आ चुके हैं, और इनको छोड़ने आए थे दीदी वगैरह को, क्योंकि अब ये कुआ पूजन की तैयारियां करेंगी, और पीछे आप देख सकते हैं ये गेट तैयार कर दिया है, ये गेट दीपक ने तैयार किया है, बहुत ही शानदार गेट तैयार किया है। बुआ जी की तबीयत कुछ ख़राब है इसलिए वो गार्डन में भी नहीं गए, और इतनी मिठाइयाँ बनी हैं लेकिन फिर भी बुआ जी सिर्फ खाली फुलके, दाल फुलके ही खा रहे हैं, इनके लिए सिर्फ दाल फुलके बनवाए क्योंकि तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो हम भी प्रेस नहीं करेंगे इसलिए। और ये हमारे मौसी जी हैं निर्मला बहन जी की सास, और ये हमारे को देखती है, बोली तेरा भाई कहाँ है जो व्लॉग बनाता रहता है, उससे मिलवा। गाइस मौसी जी के कहने पे हम आए हैं मौसी जी से मिलने के लिए, और मौसी जी कहते हैं तेरे व्लॉग्स देखते हैं भी, टीवी पे आता रहता है सारे दिन और भी नहीं बताती है इनको। गाइस ये है सोनू और ये है अन्नू, ये दोनों बांधे बांधी हैं, और आज बड़ा सरप्राइज दे दिया सोनू ने आके, मतलब मेरे को विश्वास नहीं था इसके पापा, इसकी मम्मी और ये भी आ जाएगा, क्योंकि इसकी पापा मम्मी आते थे इसका नंबर कट जाता है, आज इसका भी नंबर आ गया, बड़ी खुशी हुई मेरे को। आज आपने बुलाया इसलिए आए? अच्छा मैंने बुलाया, स्पेशल बुलाया आपने? पता था कि जो व्लॉग में वही आएगा जो जाएगा, इसलिए इसने व्लॉग में आने के लिए सबसे ज्यादा आपके व्लॉग में यही भांड जाए, ये बात भी सही है, और वो सेल्फी सेल्फी विद सब्सक्राइबर्स है उसमें भी पहली दूसरी सेल्फी सीखी है। गाइस ये देखो तैयार हो गए हैं डांस करने के लिए पूरी पार्टी, सेजल और ये क्या नाम इसका, खनकी, सेजल खनकी और
बुलबुल, और पीछे है हमारी बहन जी, किधर गई गरिमा, वो गई गरिमा, वो रही गरिमा बहन जी, गरिमा को नाराज कर दिया। आपके धोलिया में ना मेरी फोटो ना बनाई, पिछला थी ना, आओगे तब तक, जब तक आते रहोगे वीडियो में आते रहोगे। आचू चीकू। अरे साधना बहन जी तो बिल्कुल तैयार हैं, पार्लर गए थे सब लोग। गाइज आप देख सकते हैं किस प्रकार से दोनों चौक पूरा हॉल औरतों से भरा हुआ है। ये सभी औरतें जो पेज में आई हुई हैं वो भी हैं, ये सब के सब कुआ पूजन में जाने के लिए यहाँ पे तैयार होके बैठे हुए हैं। दोस्तों यहाँ एक रस्म होती है जिसे कहते हैं पल्ला पकड़ना, और इसमें कंवारा भांजा देवर या कोई भतीजा हो तो वो पकड़ता है, क्योंकि कंवारे को विनायक का रूप मानते हैं गणेश जी का, इसलिए गणेश जी के साथ पहले जो जच्चा होती है वो विनायक गणेश जी के साथ जाती है। तो यहाँ पे येसु ये रस्म पूरी कर रहा है। गाइस आप देख रहे हैं यहाँ पे जच्चा कुआ पूजन पर जाने से पहले बच्चे को गोद में लेके जिस कमरे में वो रहती हैं उसकी थली को पूजती हैं, वहाँ पे साथिया बनाती हैं, क्योंकि जब घर से वो निकलती हैं जिस कमरे में वो रहती हैं उसको पहली बार छोड़ के निकल रही हैं तो वो सब शुभ रहे, इसलिए वो यहाँ पे पूज रही हैं और इसको साथिया पूजन कहते हैं। मतलब मैंने पिछले व्लॉग में ये बात बता दिया था कि ससुराल की तो हवा भी अच्छी लगती है, और ससुराल पक्ष की तरफ से आदमी आए हुए हैं हमारे, बहने जी ये हमसे मिले नहीं अभी तक, मतलब सबसे लेट चल रहे हैं, इनको कल आना चाहिए था, सलाम बना ले, बड़े लेट चल रहे हैं, ये तो हमारे जियाद ही बड़े हुए हैं, ये सबसे मिलिट्री मैन, ये सबसे लेटेस्ट मेंबर है हमारी टीम के, लेटेस्ट मेंबर रघुवर जी, रघुवर जी और इनके जूनियर रघुवर जी भी आ गए हैं, और विनायक के नाम पे गार्ड का नाम भी है, कल सब वो किसी के भी उससे जो है नहीं चुप हुए, जब मैंने गोदी लिया तो चुप हो गए, क्या बात है, वो समझ गए, वो समझ गए मिलिट्री मैन है, हमारे क्या आदमी है, वो समझ गए या तो मिलिट्री मैन या तो चुप हो जा, वरना मिलिट्री मैन कैसे चुप कराते हैं। गाइस अभी जो रस्म की थी वो लिटिल ब्लॉगर ने की थी, तो उसमें बहू मिल गई थी, अब ये बहू को छोड़िया है, मैंने कहा बहू कहाँ से ला रहे, तो कह रहे 200 रुपये मिल गए, अरे 200 रुपये में बहू छोड़िया यार, बड़ा बेकार है। गाइज ये आप देख सकते हैं इसको साथिया उतारना बोलते हैं, पिछली बार हमने साथिया लगाना दिखाया था आपको, और ये जैसे ही कुआ पूजन के लिए जच्चा घर से निकलती है तो ये साथिया और छाबड़ी इसको उतारते हैं, और यहाँ कुआ पूजन के लिए तैयार है। हमारे जो छवि कांत की बड़ी मम्मी है ना, ये बड़ी खुश हो रही है, अरे आज डांस करेगी, जम के डांस करेंगी ये डीजे के ऊपर। आज तो डांस करना पड़ेगा, अपनी को डांस करना पड़ेगा भाई, जबरदस्त डांस, और ये पहले हो चुका था, हमने 2 महीने पहले कह दिया था, जब देवांश का बर्थ वो था कुआ पूजन, उस पर डॉक्टर ने कहा था कि नेक्स्ट पे मैं जरूर डांस करूंगी, तो आज इनके मन पसंद गाने पे हम भी नाचेंगे। सही कह रहे हो भाई, ये वही रस्म है जिसमें घर के बड़े छोटे बच्चे को लेके बैठते हैं जब कुआ पूजने के लिए जाती हैं, और ये है छवि कांत, सो रहा है ये। तो आपने देखिए रस्म कैसे लगे आपको, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पब्लिक है यहाँ पे आप देख सकते हैं।